Hey guys, welcome back to my channel. आप सभी कैसे हैं? बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो वीडियो है ये 15 दिन पुरानी है. और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ, क्या रीज़न है, वो मैं आपको आगे जाके जो है वीडियो बना दूँगी छोटा सा. लेकिन ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पेंडिंग है, तो मुझे लगा कि मैं पहले इसको पोस्ट कर देती हूँ, इसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि भी एक्चुअली मेरी लाइफ में क्या चीज़ अभी चल रही है, क्या चीज़ हो रही है. तो आज हम जा रहे हैं आप लोगों को ऐसी जगह दिखाने जिसकी फ़ीस मेरे हिसाब से 500 रुपये होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से अंदर चीज़ें दी गई है. तो मैं आपको यहाँ पर लेकर जा रही हूँ, बड़ी ही खास जगह, हेरिटेज सेंटर है. मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है. यहाँ पर देख सकते हो, हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूज़ियम. मुझे एरोस्पेस से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों का बहुत शौक़ है और नॉलेज भी है, तो मैं ऐसी जगह जाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती. तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मेरी वन ऑफ फेवरेट चीज़ें जिन्हें मैं पसंद करती हूँ अपने लाइफ में देखना, सुनना, फील करना. तो ये है वो एरिया. तो ये इंडिया का फर्स्ट एरोस्पेस म्यूज़ियम है, जो कि बेंगलोर में जो है लोकेटेड है. और ये 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम रखा गया था HAL हेरिटेज सेंटर एरोस्पेस म्यूज़ियम. ठीक है, तो इस म्यूज़ियम हाउस में डिस्प्ले किए गए हैं आपको वेरियस एयरक्राफ्ट, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट इंजन के मॉडल्स. इसमें आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी मिलेगा, और आपको एक फ़्लाइट स्टिमुलेटर कोर्स भी इसमें दिखाया जाएगा, जो कि आपको आगे जाके मैं दिखाऊंगी. तो सबसे पहले लुक ले लेते हैं वन ऑफ माय फेवरेट एयरक्राफ्ट. ये है MiG-21. और ये जो है पिछले 2-3 साल पहले जब जो अभिनंदन वाला जो केस हुआ था ना, तो वो इस चीज़ से रिलेटेड था. ये उसी का ही आपको जो है फाइटर जेट आपको दिखाया गया है. ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. मैं वीडियो में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहती. ठीक है, तो ये है MiG-21 फाइटर. ठीक है, और ये वन पर्सन सीटर है. और बाकी सारे नॉलेज जो है जब आप यहाँ पर आओगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर मैं आपको सब चीज़ें इसमें बता दूंगी तो आप देखने नहीं आओगे. और यकीन मानिए ये वर्थ करता है आराम से. अगर आप इसको 200 रुपीज़ भी देते हो ना, 100 रुपीज़ पर पर्सन या 200 पर पर्सन भी देते हो ना, तो लोग देने को राज़ी हो जाएंगे. इतनी बढ़िया जगह है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है. तेजस का प्रोटोटाइप, अच्छा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट. तो इन सब एयरक्राफ्ट को देखने के बाद ना, तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि इन सब चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें हम लोग हमारी किताबों में पढ़ते हुए आए हैं. तो वो सब चीज़ें ना जो है फ्लैशबैक में चल रही थी कि अच्छा ये था, अरे हाँ ये था, इसमें ऐसा लिखा था, वैसा लिखा था, इसकी हिस्ट्री ये थी वो थी. तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे दिमाग में उसमें चल रही थी. तो ये देखिए, एक ही छत के नीचे आपको 4 से 5 एयरक्राफ्ट मिलेंगे या उनके मॉडल्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो ये मॉडल्स हैं, ये रियल नहीं है, ये मॉडल्स हैं. लेकिन हाँ, आपको आइडिया हो जाएगा बहुत सारे. और मुझे यहाँ की मेंटेनेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, काफ़ी शांति है, बहुत ही हरी भरी जगह है, बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, साफ़ सफाई है. तो बस यहाँ का ये एम्बियंस ही ऐसा था कि देखते ही बन रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था. तो चलिए फिर आगे भी चलते हैं.
रडार सिस्टम है, इसमें नहीं जा सकते ना। वो देखो छोटे छोटे एरोप्लेन्स हैं। हाँ बेटा, लेकिन इसमें बैठ नहीं सकते। ये है हंस, ये क्या हंस है ना? ये तो वो है ना, जितनी पायलट कमर्शियल लगभग लगभग ऐसे में ट्रेन इनिशियल टेस्ट फ्लाइट उनकी है। और एक और ये रहा किरण, ये है ट्रेनर। हाँ एक ये रहा किरण, मेंटेन कितना अच्छे से किया हुआ है ना। यहाँ बेस्ट पार्ट तो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। टॉयलेट्स वगैरह हैं, जेंट्स लेडीज़ अलग अलग हैं, और एक सुवेनियर शॉप है जहाँ पर आपको मॉडल्स वगैरह जो है ख़रीदने को मिल सकता है, अगर चाहोगे तो थोड़े से एक्सपेंसिव है, मैंने नहीं लिए। मैं सोच रही थी कि मैं आरवी के लूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 2000-3000 लाइक दैट। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया हुआ है, ये रहा कैफेटेरिया। तो आप यहाँ पे अपने छोटे मोटी भूख का इलाज कर सकते हो, लाइक छोटा मोटा है कोका कोला, मतलब कि कोक वगैरह हो गया, पानी हो गया, बिस्किट, समोसा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो जिस हिसाब से फीस है वो बिल्कुल ठीक है, उस हिसाब से अच्छी जगह है, आई लाइक इट। आप आ सकते हो। और जो है इसी के अंदर आप लोगों को जो है छोटा मोटा एग्जीबिशन हॉल भी आपको दिख जाएगा, और जो है वॉल ऑफ फेम्स वगैरह भी हैं। तो ये अच्छा खासा टाइम जो है लेने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल्स बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, आराम से 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे अगर आप ध्यान से इनको पढ़ो, देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो पूरी तरीके से जो है नॉलेजफुल जगह है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस ये जो है मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आपको यहाँ पर लगने वाला है। वॉल ऑफ फेम काफ़ी उसमें है, और ईयर वाइज जो है आप लोगों को दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हो
किस तरीके से यहाँ पर जो है मॉडल्स शो किए गए हैं, कौन से साल में आए थे, क्या काम था, कि क्या मतलब ये सब कुछ ए टू जेड चीज़ें इसमें जो है यहाँ पर मेंशन की गई है। तो हमारा 15 से 20 मिनट जो टाइम है वो यहीं पर ही लग गया था, तो आप जब भी यहाँ पर आए तो इसको एक बार ज़रूर से जाके देख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको फ़ीस वगैरह कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा देती हूँ। तो ये है हॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सफ़र होता है ख़त्म, पैसा वसूल, ठीक है। ये बाहर का एरिया है, यहीं से एंट्री हुई थी और यहीं से हम लोग एग्जिट ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी वीडियो बना दी आप लोगों के लिए।